आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक बहुत ही पॉपुलर पर्सनैलिटी की, जगमोहन, जो कि एक सिविल सर्वेंट, लेकिन इनको हमेशा एज अ गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के तौर पर याद किया जाता है। इन्होंने कमाल की किताब लिखी थी दोस्तों 1991 में, द फ्रोजन टर्बुलेंस। फ्रोजन टर्बुलेंस मैंने पढ़ी है, बहुत ही बेहतरीन किताब है, आप जरूर पढ़िएगा। कश्मीर को समझना है और 1990s और 80s में कश्मीर में क्या हो रहा था, पल पल की क्या जानकारी थी उस समय, जरूर समझिए दोस्तों, वो किताब पढ़िए, जगमोहन ने लिखी है। तो आज हम इनकी बात करेंगे। अभी ये 92 वर्ष के हैं, इनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण ये सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। जब पद्म विभूषण इनको मिला तो काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ, बहुत जो कश्मीर के लोग थे उन्होंने बोला, क्योंकि देखिए इनके दो कैरेक्टर हैं, हीरो और विलन। कश्मीर में बहुत सारे लोग आज भी इनको विलन मानते हैं और बहुत सारे लोग इनको हीरो मानते हैं। दोस्तों जगमोहन के दो रोल हम देखेंगे इस लेक्चर में। एक तो 1984 से लेकर 89 तक, 5 साल, जब ये जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे। जम्मू एंड कश्मीर जब ये टर्म रहा तो इन्होंने गजब का डेवलपमेंट किया। फारूक अब्दुल्ला ने, जो चीफ मिनिस्टर थे उस समय, मतलब उस समय तो नहीं लेकिन हाँ चीफ मिनिस्टर थे जब जम्मू एंड कश्मीर के, तो उन्होंने तो ये तक बोल दिया था कि अगर जगमोहन उस समय इलेक्शन लड़ते जम्मू एंड कश्मीर का तो जीत जाते, इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हो गई थी जगमोहन की। और दूसरा देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जो इन्होंने 90s में किया, ठीक है, जब इनको दोबारा बुलाया गया, वीपी सिंह ने दोबारा बोला कि आप गवर्नर बनिए जम्मू एंड कश्मीर के, और मिलिटेंसी जो है वहां पे अपने पीक पे थी, ठीक है। तो ये दोनों चीजों पे हम नजर डालेंगे और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें हम देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेस हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, पेन नंबर पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। दोस्तों आपको पता ही है कि कश्मीर के इतिहास का हिस्सा है, तो मैं कश्मीर की हिस्ट्री कवर कर रहा हूं। चीफ मिनिस्टर सीरीज जो मैंने चालू की है उसमें मैं एक एक स्टेट को लेकर चलता हूं। अभी तक हमने बहुत सारे स्टेट्स की बात की, उनका इतिहास जाना, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, और हम जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं, हमने आंध्र प्रदेश की भी बात की थी, हमने तमिलनाडु की भी बात की थी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर। तो हमने सबसे पहले बायोग्राफी रिव्यू की थी शेख अब्दुल्ला की, मैं जो भी लेक्चर्स करता हूं बायोग्राफी के फॉर्म में करता हूं, आपको पता ही है, शेख अब्दुल्ला की बात की थी। फिर हमने बात की थी फारूक अब्दुल्ला की, ठीक है, फिर हमने बात की थी महबूबा मुफ्ती की, ठीक है, और उसी में ही मैंने आपको मुफ्ती मोहम्मद सईद के भी बारे में बताया था, वो अभी पिछले हफ्ते लेक्चर अपलोड हुआ है। फिर अभी हमने बात की, जो कल लेक्चर अपलोड हुआ है, ठीक है, मकबूल शेरवानी की, और आज हम जगमोहन की बात करेंगे, ठीक है। तो जगमोहन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स की बात करें तो। हम इनकी इतनी बायोग्राफी तो नहीं देखेंगे लेकिन जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल था वो हम देखेंगे। जगमोहन जो थे वो सिविल सर्वेंट रहे हैं, ठीक है, पंजाब के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, और यहां पे 1975 के बाद संजय गांधी के करीब आए, और संजय गांधी इमरजेंसी जब लगी थी 1975 से लेकर 1977 तक, संजय गांधी, गांधी परिवार के हर सदस्य की मैंने बायोग्राफी रिव्यू की है, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, ठीक है, तो सबकी बायोग्राफी अवेलेबल है, आप जरूर देखिएगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि संजय गांधी के करीब आए। अब आपको पता ही होगा कि 1975 से लेकर जब 2 साल तक इमरजेंसी का पीरियड था तो पूरी जो पावर थी वो इंदिरा गांधी के हाथ में थी, लेकिन इंदिरा गांधी से ज्यादा संजय गांधी डिसीजन लेते थे, ठीक है। तो संजय गांधी ने वो जामा मस्जिद के पूरा आसपास का एरिया है उसको बदलने की कोशिश की दिल्ली में, ठीक है, तो झुग्गियां थी वहां पे, उन झुग्गियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन झुग्गियों में तो लोग रहते थे, बड़ी दिक्कत। तो ये जो काम था कि पूरी तरीके से दिल्ली के इस पिछड़े एरिया को ब्यूटिफाई कर दो, बदल डालो, ये जगमोहन को दिया गया था, ठीक है। और यहां पे ही फिर तुर्कमान गेट मसाकर हुआ, जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो यहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की और उसके बाद काफी लोगों की जान दी, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं राजीव गांधी के भी करीब आए, इंदिरा गांधी के भी करीब आए, ठीक है। तो यहां पे एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के ये थे, और जब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के थे तब इन्होंने एशियन गेम्स को 1982 में बहुत अच्छे से कंडक्ट कराया, ठीक है, जिसके लिए इनको अवार्ड मिला, समझ रहे हैं, इनको पद्मश्री 1971 में दिया गया, फिर पद्म भूषण इनको 1977 में दिया गया, ठीक है, और उसके बाद अभी जो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है 2016 में इनको पद्म विभूषण मिला, ठीक है। अच्छा, इनका जन्म तो मैं आपको बताने ही भूल गया, 1929 में जन्मे, सितंबर 1927 में, ठीक है, तो काफी जबरदस्त इनका करियर रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ हुआ, अब इसी दौरान क्या हुआ,
गोवा में भी ये एज अ गवर्नर रहे, तो दिल्ली और गोवा की गवर्नरशिप इनके पास रही। इसी दौरान दोस्तों 1984 में इनको बुलाया इंदिरा गांधी ने, इंदिरा गांधी ने अपने ऑफिस में जगमोहन को बुलाया और इनसे बोला कि देखिए आपको अब कश्मीर का गवर्नर बनना है। तो जम्मू एंड कश्मीर का जब गवर्नर बनना, तो जगमोहन बोलते हैं कि मुझे लगा कि इंदिरा गांधी मजाक कर रही हैं, या उन्होंने ये शायद गलती से बोल दिया, क्योंकि उस समय पंजाब में भी बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी चल रही थी, पंजाब में भी अनस्टेबिलिटी थी, तो मुझे लगा कि उन्होंने कश्मीर पंजाब की जगह कश्मीर बोल दिया। तो मैंने मैम को करेक्ट किया, मैम शायद आपने कश्मीर बोल दिया है, पंजाब आपको बोलना था। तो इंदिरा गांधी ने बोला नहीं नहीं मैंने सही बोला है, मैं आपको कश्मीर ही भेजने वाली हूं। तो जगमोहन 1984 से लेकर 89 पांच साल तक कश्मीर में गवर्नर रहे। अब इस दौरान जगमोहन ने वाकई बहुत बढ़िया काम किया, डेवलपमेंट किया, इन्होंने रोड्स बनवाई, जो भी इनके पास इनके अथॉरिटी थी, लॉ एंड ऑर्डर पूरा था, बढ़िया था। इलेक्शंस हुए दोस्तों इसी दौरान 1987 के, कश्मीर के इलेक्शन सबसे बड़े इलेक्शंस माने जाते हैं। थोड़ा सा हम इतिहास देख लेते हैं दोस्तों, वैसे कई बार मैंने कवर किया है लेकिन हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने मेरी पिछली बायोग्राफीज नहीं देखी हो, तो कश्मीर का इतिहास मैं थोड़ा सा बता देता हूं। आपको पता ही है कि 1947 में चार ऐसे रियासतें थी जो जिन्होंने बोला था कि अभी हमको सोचने का समय चाहिए, बाकी 565 मतलब ज्यादातर सारी रियासतों ने, ठीक है 99% रियासतें भारत के साथ आ गई। कमाल का काम किया यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। चार रियासतें थी, कौन कौन सी, एक थी जूनागढ़, अल्टीमेटली वो भी भारत के साथ आ गई, फिर थी ट्रावणकोर, वो भी भारत के साथ आ गई, हैदराबाद पटेल ने सेना भेज दी, वो भी भारत के साथ आ गई, कश्मीर का मुद्दा सॉल्व नहीं हो रहा था, ठीक है। तो अब कश्मीर का मुद्दा सॉल्व नहीं हो रहा था, तो यहां पे शेख अब्दुल्ला कश्मीर के बहुत अच्छे लीडर थे और जवाहरलाल नेहरू के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो यहां पे शेख अब्दुल्ला को जब कश्मीर भारत के साथ राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन किया, क्योंकि इधर से पाकिस्तान ने हमला कर दिया था कश्मीर पे। भाई 1947 में क्या हुआ था, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो कश्मीर बोला कि ऐसा है अभी हमको सोचने का समय चाहिए, ठीक है अभी हमको सोचने का समय चाहिए कि हमको पाकिस्तान के साथ जाना है कि भारत के साथ जाना है कि आजाद रहना है। अब इधर पाकिस्तान का सब्र जवाब दे गया, पाकिस्तान ने अक्टूबर में हमला कर दिया कश्मीर पे, और पूरा आज जो पीओके वाला रीजन देख रहे हैं वो उसी समय पाकिस्तान ने ले लिया था। फिर उसके बाद जब यहां पे कबाइलियों ने, ठीक है, बहुत ज्यादा रेड की तो हालत खराब हो गई। अब दोस्तों यहां पे जो इंटरनेशनल कंट्री मतलब जो अमेरिका था, ब्रिटिश था, ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल रिएक्शन की बात करें तो आपको थोड़ा सा जान के अचरज होगा, वो पाकिस्तान के साथ थे, ठीक है। रशिया तो, सोवियत तो हमारे साथ ही खड़ा था, वो तो हमेशा से हमारे साथ खड़ा है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटिश, पाकिस्तान के साथ। आपको पता है क्यों? क्योंकि यहां पे जैसा कि मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी कि भारत को देश बनाया गया, भारत में आप देखते हैं यूनिटी डाइवर्सिटी है, ठीक है, और भारत जो है वो बहुत सालों से, हम 4000 सालों से एक डेमोक्रेसी रहे हैं, लेकिन यहां पे अलग अलग कल्चर्स हैं, ठीक है। तो भारत में सारे कल्चर को मिला के, सारे स्टेट्स को मिला के एक देश का निर्माण हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यहां पे ऐसी मतलब जिस तरीके से उस समय 1947 में भारत को बनाया गया था, इंटीग्रेट किया गया था, ज्यादातर देशों को लगा कि ये तो चल ही नहीं पाएगा, भारत बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाएगा। ब्रिटिश और अमेरिका ने यही सोचा, तो किसके साथ जाए, भारत के साथ जाए कि पाकिस्तान के साथ जाए? तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता, परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। पाकिस्तान ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री था, ठीक है। तो पाकिस्तान, यहां पे अमेरिका ने सोचा कि पाकिस्तान के साथ जाना सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान एक स्ट्रांग कंट्री लग रहा है। तो पाकिस्तान को अमेरिका का बहुत ज्यादा सपोर्ट था, ब्रिटिश का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट था, लेकिन सबके मंसूबों पर पानी फिर गया, क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ गई। पाकिस्तान बनने के 10 साल बाद ही वहां पर तख्ता पलट हो जाता है, अयूब खान आ जाते हैं, बहुत दिक्कत। पाकिस्तान का इतिहास भी मैंने पूरा कवर किया, देखिएगा 3 बार तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन भारत और समृद्ध होता गया। तो सब गलत, अरे भारत आज से थोड़ी ना, 6000 साल पहले भारत से ऐसे ही है, भारत में सारे धर्मों का स्वागत है, कितने तो धर्म भारत से निकले हैं। तो भारत को अंडर एस्टिमेट कर दिया, इंडिया को अंडर एस्टिमेट कर दिया। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि शुरू में तो पाकिस्तानियों का साथ दिया, और उसके बाद पाकिस्तानियों ने जब कश्मीर पे इन्वेड किया तो यहां पे इराक साथ था, अफगानिस्तान, वहां से सब पठानों को बुलाया गया, पाकिस्तान के सोल्जर्स सिविल ड्रेस में कश्मीर को इन्वेड किया, और यहां पे राजा हरि सिंह की फौज जो थी उसमें बहुत सारे लोग भी पाकिस्तानियों के साथ हो गए। और उस समय शेख अब्दुल्ला ने बहुत मदद की थी, ये बहुत लोगों को शायद बात पता नहीं है, शेख अब्दुल्ला ने बहुत मदद की थी, आम कश्मीरियों ने अपनी फौज बना ली थी जिसको सलामती फौज बोला जाता था, उन्होंने इन कवालियों से लड़ाई की और भारत की फौज भी आई। तो वहां पे फिर कश्मीर को भारत ने अपने पास लिया, ठीक है, और इनको पीछे खदेड़ा, ठीक है।
अब यहां पे हम देखते हैं कहानी आगे बढ़ती है। शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर ऑफ, उस समय प्राइम मिनिस्टर होता था और गवर्नर को सदर रियासत बोला जाता था कश्मीर में 1963 तक। तो शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन शेख अब्दुल्ला फिर कॉन्स्पिरेसी रचने लगे कि कैसे कश्मीर को अलग किया जाए। तो यहां पे जवाहरलाल नेहरू, जो शेख अब्दुल्ला के बहुत अच्छे दोस्त थे लेकिन बड़े इंटेलिजेंट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनको पता था सही समय पे क्या करना है। तो शेख अब्दुल्ला को जवाहरलाल नेहरू ने जेल में डाल दिया, 10 साल के लिए जेल में बंद कर दिया था, मतलब कश्मीर वो आ नहीं सकते थे। ठीक है, उधर साउथ में ही कोड़ई कनाल में वो अपना पूरा उनका। तो यहां पे 1963 तक हम देखते हैं कि वो वापस नहीं है। ठीक है, और इसी दौरान बख्शी जी जो है वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फिर वो वापस आते हैं। ठीक है, फिर इलेक्शन होते हैं। अब तब तक जो है जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो चुका था, इंदिरा गांधी तो बहुत खतरनाक, इंदिरा गांधी दोस्तों कितना भी कह लीजिए ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी बहुत ही ज्यादा फियर्स लेडी थी, वाकई में एक ट्रू लीडर थी इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान को कितना भी कह ले, लेकिन सबसे ज्यादा घाव पाकिस्तान को यहां पे इंदिरा गांधी ने ही दिया। तो इंदिरा गांधी ने जब यहां पे शेख इंदिरा अकॉर्ड्स हुए, तो शेख अब्दुल्ला ने बहुत कुछ मांग की इंदिरा गांधी से। ठीक है, शेख अब्दुल्ला अकॉर्ड में यह था कि शेख अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर, क्योंकि भाई बहुत टाइम हो गया था, 1974 आ गया था, इधर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते भी सुधरने लगे थे, इधर भारत ने बांग्लादेश को आजाद करा दिया था, तो बहुत ज्यादा दिक्कत यहां पे शेख अब्दुल्ला को लगा कि शायद मेरा काम बनेगा ही नहीं, मैं कभी भी कश्मीर में पावर में नहीं आ पाऊंगा, तो बेटर यह है कि मैं इंदिरा गांधी से समझौता कर लूं। तो शेख इंदिरा अकॉर्ड साइन किए गए। उसका क्रक्स क्या था? उसका क्रक्स यही था कि आप कभी भी भारत से अलग रहने की बात नहीं करेंगे जिंदगी में, आप अपने सपने में भी ये नहीं सोचेंगे। शेख अब्दुल्ला ने कोशिश की बहुत कि मैडम जरा ये दे दीजिए, इंदिरा गांधी ने बोला कुछ नहीं देंगे, हम कुछ नहीं देंगे, खाली आपको चीफ मिनिस्टर बना देंगे और बदले में आप कभी रेफरेंडम की बात नहीं करेंगे। शेख अब्दुल्ला मान गए, क्योंकि वो भी आखिरी पड़ाव पे, तो उनको भी लगा कि शायद थोड़ा पावर का सुख भोग लूं। तो शेख अब्दुल्ला और शेख इंदिरा अकॉर्ड साइन हुए, लेकिन दोस्तों फिर इमरजेंसी लगती है और उसके बाद फिर हालत खराब होने लगी। तो अब 1980s आ गया। अब 1980s में उधर पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान और भारत को आप साथ लेके चलिए, क्योंकि जब भी पाकिस्तान में स्टेबिलिटी होगी, अनस्टेबिलिटी होगी, कश्मीर में भी अनस्टेबिलिटी होगी। तो पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक आ गए थे 1978 में, जिनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। अब वो तो बहुत कट्टर, और तभी से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत खराब होना शुरू हो गए। तो जियाउल हक का अलग स्टांस था, उन्होंने इस्लामाइजेशन शुरू कर दिया था, भारत में पढ़े थे बल्कि जियाउल हक, ठीक है, और उन्होंने अपने देश का इस्लामाइजेशन शुरू कर दिया था। ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी थी, बड़ी दिक्कत, और कश्मीर में भी ऑपरेशन टोपैक लॉन्च कर दिया। अब उधर पाकिस्तान से पूरी कश्मीर को मदद आती थी, ठीक है। अब 1980s में इंसर्जेंसी शुरू हो गई और इसी दौरान जगमोहन को गवर्नर बनाया गया। तो आप समझ लीजिए कि जगमोहन के पास जो काम आया वो कितना टफ रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद जगमोहन ने कमाल का काम किया। पहला जो इनका टेन्योर था 1984 से लेकर 89 तक, बेहतरीन था, बहुत सारे कश्मीरियों को ये नहीं भाते हैं, क्योंकि जगमोहन ने बहुत टफ डिसीजंस लिए, ठीक है। उन्होंने फोर्सेस को वहां पे तैनात किया, कुछ भी होता था। यहां पे जगमोहन का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने बोला था कि अक्सर लोग देखते हैं फाइनल रिजल्ट की हुआ क्या, मैंने जो किया लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किया, क्योंकि कश्मीर की स्थिति बिगड़ गई थी। अगर मैं वहां पे फोर्सेस को नहीं लाता, गवर्नर का काम क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर, जैसे प्रेसिडेंट सेंटर में काम करेगा वैसे गवर्नर का काम स्टेट में होता है, तो लॉ एंड ऑर्डर मेरी जिम्मेदारी है, अगर स्टेट मशीनरी फेल हो रही है तो मैं उसको रिस्टोर करूंगा ना, तो मैंने बहुत कुछ किया जिससे हिंसा कम हो जाए, अगर मैं ये भी चीज नहीं करता तो हिंसा बहुत ज्यादा हो सकती थी, फाइनल रिजल्ट पे इतना नहीं जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक भी मौत होती है तो प्रॉब्लम तो आएगी, और इसीलिए 1990 में जगमोहन ने इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद फिर आपको पता ही है कि इससे पहले कश्मीरी पंडित का एक्सोडस हुआ, पूरा उनको मार मार के भगाया गया, बहुत दिक्कत कश्मीर, आज भी वो बहुत दिक्कत है उनके लिए, है ना। राहुल पंडिता का आप इंटरव्यू सुनिएगा, मैं अभी सुन रहा था, अभी हाल ही में उनका लल्लन टॉप पे, जिन्होंने कमाल की किताब लिखी है कश्मीरी पंडितों पे, तो उन्होंने एक चीज बताई है कि कितनी दिक्कत थी, है ना। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 84 से लेकर 89 तक जगमोहन का काम बहुत ही बढ़िया था, है ना, जब वो गवर्नर थे कश्मीर के और बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। अब 1987 में इलेक्शन भी हुए, सोचिए इस इलेक्शन में 80% वोटिंग हुई थी, 80%, इससे ज्यादा कभी नहीं हुई थी। लेकिन 84 में एक और चीज हुई थी, जगमोहन जब गवर्नर बन के आए तो यहां पे फारूक अब्दुल्ला को हटा के इनके ब्रदर इन लॉ जीएम शाह को रिप्लेस करवा दिया गया, जीएम शाह आ गए थे यहां पे, ठीक है ना। तो फारूक अब्दुल्ला को हटाया और इधर इनकी पार्टी का खालिदा जिया जिसकी लीडर थी उसी में से जीएम शाह आ गए, और जीएम शाह ने बोला कि जीएम शाह के पास पूरी मेजोरिटी थी। यहां पे जगमोहन ने, यह भी इनके ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी है कि आप ऐसे कैसे फारूक अब्दुल्ला को हटा सकते हैं, लेकिन यहां पे फारूक अब्दुल्ला के पास नंबर्स नहीं थे,
ज्यादातर जो विधायक थे वो जीएम शाह के साथ थे और जीएम शाह ने अपनी मेजोरिटी प्रूफ की, इसलिए जीएम शाह को 1984 में हम देखते हैं चीफ मिनिस्टर बना दिया गया जम्मू एंड कश्मीर का। लेकिन दोस्तों फिर इंदिरा गांधी का देहांत हुआ, राजीव गांधी आए और राजीव गांधी फारूक अब्दुल्ला की दोस्ती फिर से बहुत अच्छी होगी, मतलब कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला दोबारा करीब आ गए। फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है वो JKNC है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, और 1987 में इलेक्शन होते हैं। अब 1987 के जो इलेक्शंस थे, एक तरफ था मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, जितनी भी मुस्लिम पार्टीज है वो सब एक साथ आ गई थी, ठीक है, और एक तरफ JKNC और इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें जीती तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और JKNC थे, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को खाली 4 सीटें मिली थी। लेकिन यहां पे एक बड़ी धांधली हुई थी, ये जो इलेक्शन थे इसमें बड़ी धांधली हुई थी। यहां पे मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के जो लीडर्स जीत रहे थे उनको हरा दिया गया और अल्टीमेटली JKNC जीती। लेकिन इलेक्शंस यहां पे सक्सेसफुली कंडक्ट हुए थे और इसीलिए जगमोहन को बहुत प्यार देते थे यहां के लोग। कि मैंने बताया ना, फारूक अब्दुल्ला ने ये तक बोला था कि अगर जगमोहन अपनी पार्टी बना ले इलेक्शन लड़ रहे तो जगमोहन जीत जाएंगे। तो पहला टेन्योर रहा इनका डेवलपमेंट का। लेकिन उसके बाद दिक्कतें शुरू हो गई 1989 में दोस्तों, जब सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार गई, और यह बहुत बड़ा कारण था कश्मीर में जो वायलेंस हुआ, ठीक है। जब कांग्रेस की सरकार गई 1989 में, तो यहां पे हम देखते हैं वीपी सिंह आ गए, नेशनल फ्रंट की सरकार आ गई, ठीक है, जनता दल। तो वीपी सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने जगमोहन को वापस बुलाया और भेजा कश्मीर, क्योंकि एक बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर वो अपने आप को साबित कर चुके थे, ठीक है। लेकिन इसी दौरान दोस्तों मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को किडनैप कर लिया गया। अभी 6 दिन ही इनको होम मिनिस्टर बने हुए थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद जो कि मुजफ्फरनगर से इलेक्शन लड़के आए थे, ठीक है, और उनकी बेटी को 1989 में किडनैप कर लिया गया, रूपिका सईद को मिलिटेंट्स ने किडनैप कर लिया। और मिलिटेंट्स ने बोला कि हमारे साथियों को छोड़ो, सरकार प्रेशर में आ गई, 6 मिलिटेंट्स को छोड़ना पड़ा, बस खत्म खेल, खत्म यहां से खेल। कैसे खत्म? अब जब ये चीज हुई, ये स्टेट का फेलियर है बहुत बड़ा, ठीक है, ये जब चीजें हुई तब यहां पे क्या हुआ, जो JKLF काम कर रहा था, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जमाते इस्लामी और भी जितने भी ग्रुप्स थे कश्मीर में, सबके सब एक्टिव हो गए और यहां पे लोगों को बहुत ही कॉन्फिडेंस मिला, सरकार हमारे सामने झुक गई है। और उसके बाद सब गड़बड़ झाला यहां पे। मार्च से फिर जम्मू कश्मीरी पंडितों का किस तरीके से एक्सोडस हुआ, मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर आप जरूर देखिएगा वो सब, और बड़ा ही वो डार्क चैप्टर है एक, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? दो कारण है, ठीक है। सबसे पहला इस्लामाइजेशन, ठीक है, जिस तरीके से कट्टरता यहां पे हो रही थी, और जगमोहन ने कश्मीर को बहुत करीब से देखा है, तो उन्होंने एक और चीज बताई है। ये जो चीज हुई, ये पहली चीज, इस्लामाइजेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, इसको रोका जा सकता था लेकिन इसको रोका नहीं गया। आज भी कश्मीर का सोल्यूशन एकमात्र है, लोगों को पढ़ाओ, बस वहां के बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो, लेकिन वहां के लीडर्स से करने नहीं देते, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो रैशनल थिंकिंग आ जाएगी, लोग अवेयर हो जाएंगे और उसके बाद उनकी दुकानें नहीं चलेंगी, बंद हो जाएंगी सब। तो यहां पे जब लोग पढ़ेंगे, जब लोगों को ज्ञान होगा, तब जाके सारी चीजें बंद होंगी और तब वहां पर हिंसा भी नहीं होगी। तो पहला तो इस्लामाइजेशन था, और दूसरा जो था स्टेट का फेलियर, पूरी तरीके से स्टेट का फेलियर। वीपी सिंह की स्टेट जो है, फारूक अब्दुल्ला ने वहां पे बोला था कि अगर मेरी बेटी किडनैप हो जाती तो मैं मिलिटेंट्स के साथ कभी भी समझौता नहीं करता, तो स्टेट का फेलियर था। वीपी सिंह की सरकार जो है वो इसमें बिल्कुल नाकामयाब साबित हुई, और उसके बाद 1989 से लेकर 1991 साल ये हिंसा का दौर चला, बहुत भयानक हिंसा का दौर चला दोस्तों। अब उसके बाद जगमोहन के सामने क्या ऑप्शंस थे? जगमोहन को पता था कि सेंटर तो डिनाई कर रहा है, साथ ही साथ यहां पे पॉलिटिशियंस जो है वो अपना खेल खेलेंगे, तो मुझे तो लॉ एंड ऑर्डर, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश करूं, वरना तो बहुत सारी जाने जाएंगी। तो मैंने यहां पे सेना को बुलाया और प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई, हम लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर हो गए क्योंकि हिंसा बहुत ज्यादा हो रही थी। इस दौरान दोस्तों सेंटर और जगमोहन की जो बात थी इसमें काफी वक्त चला गया था, और यहां पे बॉर्डर पार से उस जैसे आप बस से कहीं पे भी जाते हैं, ठीक है, देश के अंदर कहीं पे भी जा सकते हैं, वैसे ही उस समय 1989 और 1990 में पाकिस्तान आराम से जा सकते थे, वहां पे बस वाले चिल्लाते थे मुजफ्फराबाद आई पीएफ पीओके, इस तरीके से चिल्लाते थे ताकि वहां पे ट्रेनिंग लेके वापस आ सके। तो सबसे पहले तो जगमोहन इसको टैकल किया, बॉर्डर पे सिक्योरिटी बढ़ाई, बहुत सारे जो ट्रेनिंग लेके लोग आते थे उनको अरेस्ट किया और उनके साथ सख्ती बरती। और यहां पे अगर
उस समय बहुत प्रोटेस्ट होते थे, आप दोस्तों तस्वीरें देखिएगा यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देखिएगा आपका आपकी रूह कांप जाएगी, वाकई में काफी डिस्टर्बिंग इमेजेस जो है उस समय सामने आती हैं। ठीक है, तो हम यहां पे देख रहे हैं कि जगमोहन ने फिर अपने हाथ में चीजें ली और फोर्सेस को बुलाया और उसके बाद फोर्स ने फिर टैकल करना शुरू किया क्राउड को। और इसी दौरान दोस्तों हम देखते हैं कि फारूक अब्दुल्ला ने भी रिजाइन कर दिया, यह भी आपको पता है। ठीक है ना, फारूक अब्दुल्ला ने भी एज ए चीफ मिनिस्टर यहां से रिजाइन कर दिया और खतरनाक है, प्रेसिडेंट रूल के अंडर पूरा का पूरा। अगर जब प्रेसिडेंट रूल के अंडर आया तब उसके बाद फिर जगमोहन ने टेक डाउन करना शुरू किया। लेकिन प्रॉब्लम यह हो गई दोस्तों कि यहां पे जब कश्मीरी पंडित से जा रहे थे उस समय जगमोहन क्या कर रहे थे, ये भी उनके ऊपर बहुत आरोप लगता है। कुछ लोग बोलते हैं कि जगमोहन ने पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं जगमोहन ने कुछ नहीं किया। तो यहां पे दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि जगमोहन जब गवर्नर रहे, दूसरे टेनवर के लिए आए, तो उन्होंने कोशिशें तो बहुत की, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफा इसलिए दिया दोस्तों, गायकोडाल मसाकर हुआ था। ठीक है, मौलाना फारूक थे उस समय, ठीक है, जो आवामी कमेटी के लीडर थे, 42 वर्षीय थे, एक मॉडरेट मिलिटेंट थे, लोग उनकी सुनते थे। इनका कत्ल हो गया, इनका कत्ल हुआ, लोग जमा हुए, लोगों ने सेना पे AK-47 से हमला कर दिया। ठीक है, जो मिलिटेंट्स थे, सेना ने जवाबी कार्रवाई की, सेना की जवाबी कार्रवाई में काफी लोग मारे गए। ठीक है, अब इसके बाद जो है प्रोटेस्ट जगमोहन के लिए शुरू हो गए कि जगमोहन ने ही ऑर्डर दिया और जगमोहन ही इसके जिम्मेदार है, समझ रहे हैं। जगह जगह नारे लगने लगे। ठीक है, उस समय मुझे याद है कि मुझे तो मतलब मैंने जितना पढ़ा है तो बेनजीर भुट्टो समय बोलती थी कि जगमोहन का नाम हम बदल के भगमोहन रख देंगे, मतलब भागमोहन, इनको हम कश्मीर से भगा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं कि जगमोहन ने नैतिकता के आधार पे अपना इस्तीफा दे दिया, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और उसके बाद फिर वो कश्मीर से चले गए। यहां पे एक और चीज थी दोस्तों बड़ी खतरनाक, कश्मीर में कोई रोड ब्लॉक्स नहीं लगाए गए थे। जो पुलिस फोर्सेस रोड ब्लॉक्स लगाती है ना, जब इतनी हिंसा हुई तो कोई वायरलेस, कोई भी ट्रांसमिशन नहीं था, कोई बात नहीं हो रही थी, एक तरीके से कश्मीर पूरा अलग हो गया था। कोई रोड ब्लॉक्स नहीं लगाए गए थे, कोई यहां पे संपर्क नहीं हो रहा था, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी कि कश्मीर को कैसे सुलझाया जाए। अगर ऐसा ही होता, ऐसे चलता रहता तो बहुत बुरी कंडीशन हो जाती। लेकिन उसके बाद फिर 1990 से लेकर 1996 कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल रहा और सेना ने फिर बहुत ही तगड़े से कार्रवाई की और उसके बाद बहुत सारे मिलिटेंट जो है वो हिंसा को छोड़ के अहिंसा के रास्ते पर चलने लगे, डेमोक्रेटिक तरीके से फिर वो मांग करने लगे। फिर उसके बाद जगमोहन ने हम देखते हैं कि बीजेपी को ज्वाइन किया और अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में बीजेपी की जो कैबिनेट थी उसमें इनको बहुत सारे पोर्टफोलियोज मिले, कम्युनिकेशन, अर्बन डेवलपमेंट, टूरिज्म। ठीक है, तो ये सब कुछ राज्यसभा से ये चुन के आए थे और उसके बाद लोकसभा इलेक्शंस थे 1996, 1998, 1999 में जीते। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लिया और इनको पद्म भूषण मिला 1977 में और 2016 में जो सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण, वो भी जगमोहन को दिया गया। ठीक है, तो इनकी जो किताब है द फ्रोजन टर्बुलेंस, वैसे तो इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी लेकिन वो आप जरूर पढ़िएगा, कमाल की किताब है। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री।